सर्द हवाएं, शब भर बारिश, खुनकी में इजाफा। मौसम की खबर देने वालों की आज भी शहर का मतला जुजवी अबर आलूद रहने की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलने से पहले ही पटरी से उतर गई। तब्दीली सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के फंड्स रोक लिए गए। 13 करोड़ रुपए के फंड्स महकमा स्कूल एजुकेशन को मुंतकिल। फंड से महकमे का सिस्टम ऑनलाइन बनाया जाएगा। महंगाई में जकड़े आवाम के लिए एक और बुरी खबर। रिहायशी और तिजारती इमारतों पर खौफनाक सफाई टैक्स लगाने की तजवीज। 5 मरले के घर को 430 और 10 मरले वालों को 860 रुपए माहाना देना होगा। कमर्शियल इस्तेमाल होने वाली जगह का फी मरला टैक्स 430 रुपए मुख्तस। LWMC का सफाई टैक्स से 8.25 अरब रुपए इकट्ठा करने का मंसूबा। टैक्स तफसीलात की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। टैक्स का निफाज काबीना कमेटी पंजाब से मशरूत। रेस्क्यू 1122 का अनोखा कारनामा। 28वें दस्ते की दोबारा पासिंग आउट परेड मुनक्किद कर दी। एक ही बैच को दोबारा पास आउट परेड मुनक्किद करके पंजाब हुकूमत को भी मामू बना दिया गया। 28वें दस्ते की परेड 27 सितंबर को हुई थी। लेटर जारी करके कैडेट्स को पासिंग आउट के लिए दोबारा बुलाया गया। लेटर की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि सितंबर में पासिंग आउट परेड थी, जबकि एक रोज कबल तकरीब ग्रेजुएशन की गई थी। रेस्क्यू 1122 में करोड़ों रुपए की करप्शन का मामला। एंटी करप्शन ने डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर को तलब कर लिया। 4 सगे भाइयों को भर्ती करने का रिकॉर्ड समेत अहम दस्तावेजात भी मांग ली। बैरून मुल्क जायदादें, FBR ने शिकंजा कस लिया। मजीद पाकिस्तानियों की तफसीलात हासिल कर ली। 579 पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, नोटिसेज भिजवा दिए। मुल्क भर के लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स में कायम ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जोन को केसेज भिजवा दिए। LTU लाहौर के ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जोन को 132 शहरियों के केसेज मुंतकिल। लाहौर हाईकोर्ट का शहर के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाली केस की समाप्त। 126 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल कर दिए गए हैं। 94 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फनी खराबी के बायस नहीं चल रहे। MD वासा ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने मेयर लाहौर को भी आज तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट का मसाजिद और मजारात के वजू का पानी पौधों को लगाने का हुक्म। ऑटोमेटिक सिस्टम पर मुंतकिल न होने वाले सर्विस स्टेशन 10 रोज में बंद कर दिए जाएंगे। अदालती अहकाम पर अमल न करने वालों को जेल भिजवा देंगे। तमाम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से पानी के बिल वसूल किए जाएं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स, पानी की एक एक बूंद कीमती है। अदालती हुक्म पर मेनुआन अमल दरामद करवाया जाए। चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर की मीडिया से गुफ्तगू। पांच नए जच्चा बच्चा अस्पताल बनाने का मंसूबा तैयार। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में ज्यादा बच्चे लाए जाते हैं, बेड्स बढ़ाने का सोच रहे हैं। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद का पंजाब असेंबली के वक्फा सवालात में इजहार ख्याल। स्पीकर परवेज इलाही ने कहा सारा बोझ लाहौर में है, टीचिंग अस्पताल में ही बच्चों के हवाले से अपग्रेड कर लें। स्पीकर का मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का महकमा सेहत को ऑडिट करवाने का हुक्म। आमिर हुकुमरान के दाएं बाएं घूमने वाले हमें एहतसाब का लेक्चर दे रहे हैं। बातें करने और अवामी मसाइल हल करने में जमीन आसमान का फर्क है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की लाहौर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। कहते हैं अपोजिशन का मकसद 100 दिनों का एजेंडा याद करवाना है। ये लोग शरीफ बरादरान के खिलाफ एक पाई की करप्शन भी साबित न कर सके। PP 168 का जिमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुतहद हो गई। अजीजुर रहमान चंद कहते हैं जमहूरियत के लिए नून लीग का साथ दे रहे हैं। PP 168 से नून लीग को ही कामयाब करवाएंगे। असलम गुल बोले मुल्क में जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, हमने जेलें काटी हैं, जाली वजीर आजम को नहीं मानते। PP 168 के जिमनी मार्के में 2 रोज बाकी, इंतखाबी मुहिम जोरों से जारी।
पीटीआई के उम्मीदवार मलिक असद खोकर जीत के लिए पुराजम कहते हैं ये हल्का नून लीग नहीं मसाइल का गढ़ है। मुंतखब होकर अवाम की महरूमियां दूर करूंगा। मलिक असद खोकर की अहलिया भी मुतहरिक। आयशा असद की कमाहा और बहादुराबाद में खवातीन वोटर्स से मुलाकातें। अगर मैं करप्ट था तो 10 बरसों में नून लीग ने कार्रवाई क्यों ना की। नून लीग की दुम पर पांव आया तो उन्हें नैब में नुक्स नजर आ रहे हैं। कोई एक ऐसा केस बताएं जो इमरान खान के दौर में बनाया गया हो। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगु, बोले किसी की वजारत जाते हुए नजर नहीं आ रही। और यूईटी में इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का इनाकार। बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस समेत दीगर मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर्स की शिरकत। सी पैक मनसूबे से मुतालिक मालूमात फराहम की गई।